इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक और मार्कर्स जो हैं वो हम लोग अपने बेस मैप में ऐड करेंगे। अगर हम अपने बेस मैप को इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास एक मार्कर जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कर रहा है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग लोकेशन के लिए बहुत सारे मार्कर जो हैं वो हम ऐड करना चाहते हैं। कैसे उन मार्कर्स को ऐड करना है, उसका बेस्ट वे जो रहेगा वो रहेगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, आई कॉपी दिस कंट्रोल सी, और मैंने क्या किया यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ, उसे इसको मैंने 25 कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं जो है वो 79 पॉइंट, और से यहाँ पे इसको 89 कर देता हूँ, स्मॉल चेंज, और बाकी सेम रहने दिया। उसके बाद मैंने अपने कोड को सेव किया यहाँ पे, और फिर से इसको टर्मिनल में फाइव कमांड को एग्जीक्यूट किया, और ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे जाके मुझे रिफ़्रेश करना है इसको। इफ़ यू सी, दो मार्कर जो हैं वो हमारे यहाँ पे ऐड हो गए। अब क्या हो गया, हमारे दो मार्क जो हैं वो हमारे मैप के ऊपर ऐड हो गए। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये हो गया और दूसरा मार्कर ये हो गया। अगर मान लो कि हम जो हैं वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, से हमारे पास जैसे मैं अपने इस मैप के ऊपर इंडिया की मेजर सिटीज़ को जो है वो लोकेट करना चाहता हूँ। बेस्ट वे क्या है उसका लोकेट करने का, मुझे पता तरीका क्या है कि मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँ, फिर उनके जो है वो मुझे सिटीज़ के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, जैसे उनका लेटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता चला जाऊँगा। ये तो आपको भी पता है कि कॉपी पेस्ट और ये सब चीज़ें करना जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि हम इस सिचुएशन को आ जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इटरेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इटरेशन को कैसे करना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ से फॉर लूप शुरू किया मैंने कोऑर्डिनेट्स इन, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दो लिस्ट पास करता हूँ से, और एक लिस्ट में वैल्यू पास कर दिया से इसको कंट्रोल सी कॉमा, दूसरा लिस्ट मैंने पास कर दिया वैल्यू से दिस वन, कंट्रोल सी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और मैं चाहूँ तो एक और मार्कर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक और पास कर दे, और अब मुझे इस लाइन का जो है वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लूपिंग इटरेट कर रहा हूँ, और इसको मुझे अडेंट करना है क्योंकि ये लाइन जो है वो लूप के अंदर चलना चाहिए। इसको मैंने इसके अंदर अडेंट किया, और मैं इन कोड को जो है वो आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने 26 सेट कर दिया, और इसका वैल्यू जो है वो मैंने 74 सेट कर दिया, और ये जो वैल्यू है मैंने से 78 सेट कर दिया, और इस वैल्यू को जो है वो मैं से 27 कर देता हूँ। स्मॉल चेंजेस किया है मैंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स में, और मुझे थोड़ा सा ये जो लोकेशन है और यहाँ पे जो भी रेफरेंस देना है, इस वेरिएबल का रेफरेंस देना है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट। अब जो है वो ये कोऑर्डिनेट फॉर कोऑर्डिनेट्स इसमें से ये उठाएगा, और वो वाले आर्गुमेंट जो है वो इसको पास करने हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं सेव करता हूँ इसको, और इसकी चेंजेस को देख के चेक करता हूँ कि क्या चेंजेस हुई हैं। सेव किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब जो है वो मेरे मार्कर का पोजीशन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि उनके मैंने पैरामीटर्स चेंज किए थे। अब अगर मैं देखूँ तो मैंने मेरे यहाँ पे तीन मार्कर लग गए अलग अलग लोकेशन के ऊपर। नाउ अब हम प्रोग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
अब क्या होगा, फॉर कोऑर्डिनेट्स इन दिस लिस्ट एंड दिस लिस्ट। अब क्या करेगा, इस लिस्ट में से ही कोऑर्डिनेट्स को देखेगा यहाँ से, और वो आर्गुमेंट जो है कोऑर्डिनेट्स के इसमें यहाँ से पास किए और उसने मार्क कर दिया। फिर उसको एक बार करने के बाद वो फिर से इटरेट करेगा, फिर इस लिस्ट में से इस लिस्ट को देखेगा और वो पास करेगा, फिर दूसरा मार्क कर देगा, फिर तीसरा मार्क कर देगा। सो ऐसे भी क्या हो जाता है, अब जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इंडिया की 100 सिटीज़ हैं तो मुझे ये वाले जो हैं ये पैरामीटर जो हैं वो 100 पैरामीटर इसको पास करने पड़ जाएंगे। सो इसका क्या एक और अल्टरनेटिव वे हो सकता है, अल्टरनेटिव और जो सोफिस्टिकेटेड वे एक यही हो सकता है कि हमारे पास जितना भी सिटी का डाटा है वो एक फाइल में होना चाहिए, चाहे वो TXT फाइल हो, CSV फाइल हो, एक्सेल फाइल हो या जैसन फाइल हो, उसके अंदर वो फाइल का डाटा होना चाहिए। और उस फाइल को जो है वो हम लोग पाइथन में लोड करेंगे और उसके डाटा को इटरेट करके जो है वो हम यहाँ पे उसको मार्क करेंगे। सो बेस्ट वे जो है वो हमारे पास यही रहता है। सो उस तरीके से हम कैसे मार्कर्स को ऐड कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।